आज आप नासरीन में रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं डिफॉल्ट रिलेशन। हम इस वक्त जो है वो असेंबली हल्का बुद्धल के में जो है वो मौजूद है और यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से चौधरी जुल्फकार अली जो हाल दिनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उनका इस्तकबाल किया गया। बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे। इस दौरान हम आपको ये चंद तस्वीरें जो है वो बताएंगे और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी तादाद में पहुँचे हैं चौधरी जुल्फकार अली को सुनने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे मकामी जो लोग इस जलसागाह में पहुँचे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किन नज़रियात को लेके इस मकाम पे जो है वो पहुंचे हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शफी। कहाँ रहते हैं? डंडोत। आज के इस प्रोग्राम में आने का मकसद? मकसद ये है कि जुल्फकार साहब आए हैं, इसको ज्वाइन करने के लिए। जुल्फकार साहब आए? क्या करना है जुल्फकार साहब को यहाँ पे? वोट देंगे, जुताएंगे, अच्छा बंदा है, काम करेंगे। इससे पहले क्या किया है जो इस बार वोट देंगे? बहुत कुछ किया है इसने, सब कुछ किया, हॉस्टल बनाया, स्कूल दिए। हाँ अच्छा, और भी तो बहुत सारे लीडर हैं। नहीं, और भी तो है मगर ये सबसे अच्छा है, बाकी ने कुछ नहीं किया। बाकी ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो किया काम अच्छा ही किया। इधर रोडें थी। हाँ, काला खान। कहाँ रहते हैं? डनोत में। डनोत तो क्यों आए? ये प्रोग्राम में आया, खुशी ना आया, ऐसे शुगर देख लो। हाँ, मगर काम शाम करेगा, सही सही काम शाम करेगा, स्कूल देना ये वो। कौन? डनोत में। डनोत में जो ही स्कूल नहीं काल। किसने दी? किसी ने दिया था। किसने? जुल्फकार ने। हाँ, नहीं डाल कहाँगा इसमें। तो क्या और भी तो बहुत सारे लीडर हैं? नहीं कुछ नहीं, कुछ लीडर करते हैं, कुछ गरीबों को दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते। हाँ ये बात होती है। हाँ, मोहम्मद इम्तियाज। कहाँ रहते हैं? फरमान पंचायत हल्का डंडोत। हमें आने का मकसद क्या है? गर्मी है। हम अपने रहनुमा लीडर जनाब चौधरी जुल्फकार अली साहब को खिताब को सुनने के लिए आए हैं। क्या सुनने आए? इससे पहले भी तो वो यहीं रहे, आज दोबारा क्या सुनने? अचानक से सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इलेक्शन अनाउंस किए। काफ़ी अरसा से यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। हम अपना रिप्रेजेंटेटिव नेता चाहते हैं, इसलिए हम आए हैं और हम अपने नेता को वोट दे के जताना चाहते हैं, उनकी जीत चाहते हैं, जो कि हमारे इलाका के लिए तमीर व तरक्की के काम। और भी बहुत सारे लीडर हैं। पिछले 70 सालों से हमने देखा है कि किसी भी जो एनसी हो, कांग्रेस हो, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। एक बीजेपी वाहिद हुकूमत है जिन्होंने हमारे इलाका के लिए काम किया और हमारे मसले को सबसे पहले जो पहाड़ी स्टेटस हमें मिला है उसके लिए हम इस पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। बीडीसी कुछ नहीं किया? बीडीसी ने भी किया और मैं खुद एक सरपंच हूँ पंचायत हल्का डंडोत से। बीजेपी ने जितनी भी स्कीमें लाई हैं, जल जीवन मिशन लाया, फ्री बिजली योजना लाया, किसानों को सालाना जो 6,000 रुपया दिया, गोल्डन कार्ड बनाए, बीजेपी ने सबसे अच्छे काम किए, अच्छे काम किए। उसी के नाम पे वोट दे? उसी के नाम पे वोट दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद रशीद है। कहाँ रहते हैं? बथान में रहते हैं। बथान में? हाँ। कहीं पैदल आए? नहीं नहीं, गाड़ी लेके आए, गाड़ियाँ रोड जाती है। अच्छा, हाँ। क्यों आए यहाँ पे? इतनी गर्मी है। जलसे में आए? जलसे में। कौन से जलसे? ये बीजेपी का जलसा है, पहाड़ियों पहाड़ी है। पहाड़ी? हाँ। पहाड़ी इकट्ठे हो जाएंगे? हाँ इकट्ठे हैं। उन्होंने इतनी मुखालफत की फिर भी इकट्ठे? इकट्ठे हो गए हम पहाड़ियों के साथ, हम बीजेपी के साथ जिन्होंने हमारा काम किया पहाड़ियों का। हाँ अच्छा, हाँ काम होगा, काम हो गया है। क्या हो? पहाड़ी हमारे स्टेटस मिला है। हाँ, बीजेपी को वोट दे रहे? हाँ बीजेपी को वोट देंगे। देंगे? हाँ। यहाँ पे तो गुज्जर लीडर आ गया। हाँ गुज्जर लीडर आ गया, उसको देखो पार्टी का आया ना, पार्टी का आदमी आया है, लीडर है तो पार्टी ने भेजा है। हाँ मन बना लिया? हाँ मन बना लिया। चलिए शुक्रिया। कहाँ रहते? केवल। क्यों आए आज के प्रोग्राम? ये जलसा है बीजेपी का। बीजेपी जी। क्या मकसद है वोट को? वोट हक अदा करना है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का। वो क्यों, क्या किया उन्होंने? उन्होंने पहाड़ी स्टेटस दिया पहाड़ियों को। अच्छा, हमारा वादा है। हाँ। जब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो हमने वोट से उनका हक अदा करना है, उन्हीं को देना, उन्हीं को देना है। अच्छा जी, और कोई डेवलपमेंट का मुद्दा? डेवलपमेंट तो बात हो रही है, लोग कर रहे हैं, सियासी लोग कर रहे हैं, वो तो होगी, वो तो करनी है। हाँ। लेकिन हमें पहाड़ियों ने ये जो है उनका हक अदा करना, उनसे जो वादा किया है वो हमने चुकाना है, उनका वादा, उनका आधार मकाना है हमने। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। कहाँ रहते हैं? हम इधर बुद्धल के ही रहने वाले हैं। जी जी, क्या मुद्दा है इलेक्शन? हमारा तो मुद्दा बहुत है, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी आज की जो ब्राइटनेस है, जो हमारा ये फूल चमक रहा है आज पूरी कंस्टिट्यूंसी में, तमाम आवाम को पता चला कि मुद्दा क्या है। और हमारे सब मुद्दों को इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से ऑनली फॉर चौधरी जुल्फकार अली साहब हल कर सकता है। दूसरे इसके अलावा में कोई भी मद नज़र में नहीं है। क्यों नहीं है यार, बहुत सारे लोग और काम कर रहे हैं। नहीं आ सकता, हमने देखा है, ग्राउंड में भी देखा है, आज से नहीं देखा, कबल दो बार अटैम्प्ट कैबिनेट मिनिस्टर के दौरान में हमने मौके में देखे है। 36 महकमे कोटरंका के अंदर वो चौधरी जुल्फकार अली साहब ने बैठा के रखे हैं। रोल नमा काम जो है तो वो ग्राउंड में देखिए, वो जाल जो पीछे हैं तो ग्राउंड में। ये मेरे कहने से बात तो नहीं है कि ये उसने बोल दिया मुश्ताक ने, तो गलत है। लीडरों का कहना है, सियासी जमातों का कहना है कि तब्दीली होनी चाहिए। तब्दीली क्यों होगी? तब्दीली वो जनता दिखा रही है, अमाम दिखा रही है, फूल चमक रहा है, वो खनिया से लेकर तराला तक, तराला से लेकर नारला तक चमकदार फूल वो सामने ग्राउंड में। ठीक, एक यही भारतीय जनता पार्टी है जी गरीब आवाम को पलो करे। आज तक जेडी भी पार्टी आई है वो उस पार्टी को किसी ने कोई फायदा नहीं हो। आज देखो घर घर मकान बन गया, जल जीवन देख लियो, बाकी गोल्डन कार्ड को देख लियो, इलाज फ्री हो रहे है, घर घर रोड जा रही हैं। और जितनों कम भारतीय जनता पार्टी ने हमने आँखें देख लियो, इतनों आज तक किसी पार्टी ने हमारे सामने नहीं कियो। तां वोट देंगे तो इस बार हम यही सोचा कि मेरी गुजर बरादरी और आम अदर पहाड़ी जितना भी है हमारी कम्युनिटी OBC सब मिल गए, इनको मैं यही देखियो है कि सब जुल्फकार साहब ना वोट देना चाहे। और आप नाम क्या है? मोहम्मद रफीक। कहाँ रहते हैं? डंडोत। मुद्दा क्या है इलेक्शन को? मुद्दा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, वोट तो देना होता है ना, वो मुद्दा होता है कि डेवलपमेंट होती है और कामों को लेके होती है। ये आपका क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा है, पहला मुद्दा है तहसील का, हमें तहसील चाहिए। दूसरा बुद्धल टू शुपियन रोड चाहिए, हॉस्पिटल को अपग्रेड करना है। कौन ऐसा लीडर है जो ये काम कर सकते? बिना जुल्फकार के कोई भी नहीं कर सकते। और भी तो लीडर है जनाब, जुल्फकार के मुकाबले का आप कोई भी क्वालिफाइड दूसरा नहीं है। सर इतने गुस्से में है क्या? नहीं गुस्से में नहीं है, बीच में है, जावेद साहब है, लेकिन इतने अभी क्वालिफाइड नहीं है कि जो जुल्फकार के कद के। तो उन्होंने भी किए, मानता हूँ काम उन्होंने किया, अभी उस कद तो के नाराजगी क्या है? काम अगर किए तो फिर वोट क्यों नहीं? नाराजगी नहीं है, इनके कद के होने में उनको टाइम लगेगा, इसलिए हमें बेहतर इसी को समझते हैं कि जुल्फकार के सिवा दूसरा कोई भी इतना डेवलप नहीं कर सकता है, जुल्फकार इस काबिल है। पूरा मन बना लिया इंशाल्लाह, पूरा मन इंशाल्लाह सोच के इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। आपका नाम क्या है जनाब? हैदर अली। हैदर अली साहब कहाँ रहते हैं? डंडोत। डंडोत सड़क सड़क है, पैदल आए या सड़क से आए? गाड़ी से आए। गाड़ी से आए। गाड़ी से आए। मुझे बताइए ये प्रोग्राम में गर्मी में आने का मकसद क्या है? प्रोग्राम कुछ नहीं, हम जो कुछ भी हम मोदी के साथ। मोदी के साथ? मोदी के साथ। डंडोत में भी मोदी? सब मोदी के साथ। यानी कि वो नारा जो चलता था हर घर मोदी, वह डंडोत में भी पहुंचा? मैं किसी को नहीं जानता, मैं मोदी के साथ। सच में मोदी के साथ। इतने फैन? बिल्कुल फैन मोदी। अगर मोदी जी आपको देख रहे हो तो उनको क्या कहेंगे? उनको क्या कहना, हम उनके साथ हैं। साथ हैं बिल्कुल साथ। उसने सब कुछ कर दिया, जो जिसने जो करना था वो कर दिया, उसने स्टेटस दे दिया हमें, और क्या करना, रोडें दे दी, फिदा है सब, बिल्कुल फिदा हो चुके हैं। फिदा हो चुके हैं। जो उसने कहा था दिल्ली से लाल किला से, वो कर दिया? कर दिया, बिल्कुल कर दिया उसने। तो अब हक अदा करना, बिल्कुल हक अदा करना, आसान का बदला आसान। सड़क हो ना हो, स्कूल हो ना हो, लेकिन जो उसने किया उस पे देना है, बिल्कुल आसान का बदला आसान, आसान का बदला आसान। जनाब नाम क्या है? मोहम्मद मुर्शी। कहाँ रहते हैं? डंडोत जी, बुद्धल डंडोत। बुद्धल डंडोत, गाड़ी से आए या के पैदल चले? गाड़ी से। रोड है? स्पेशल गाड़ी से आए। रोड है? हाँ जी। किसने बनाई थी? गवर्नमेंट ने बनाई है, अभी काम लगा है, फोर वे बन रही है। फोर वे बन रही है, बिल्कुल। क्या बात है। आज ये गर्मी में बैठे हुए मकसद क्या है? पार्टी की, आज पार्टी की मीटिंग है, इसमें आ रहे हैं। कौन से पार्टी? पार्टी BJP की पार्टी। जी जी। तो मकसद क्या, मुद्दा क्या? इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट देने हैं हमें इसी पार्टी को। इसी को? इसी पार्टी को वोट देना है। इसी को? बिल्कुल इसी BJP को देना है। जुल्फकार आया है इस पार्टी में, हमें पार्टी को वोट देना है।
आपका नाम क्या है? नहीं अब इस बुजुर्ग अब एक लाइन दे कैमरा लगा है यहाँ देखिए। शेर मोहम्मद जी कहाँ रहते हैं? गंडोत। हाँ जी, क्या मकसद है आने का? मकसद ये है कि मीटिंग है, आज मीटिंग थी, इलेक्शन आ रहे हैं 25 तारीख को, तो इसलिए आए बुलाए, जुल्फकार साहब आए, बीजेपी ज्वाइन की इसने, तो इसको वोट देने हमें, हम बीजेपी पार्टी के। अच्छा, वोट किसको है, चौधरी जुल्फकार को या बीजेपी को? वोट जुल्फकार को देना है, पार्टी बीजेपी की है। वोट जुल्फकार को देना? बिल्कुल, कैंडिडेट है, कैंडिडेट ये बीजेपी का कैंडिडेट है, इसको टिकट मिली है, वोट हमें इसको देने है, लेकिन पार्टी बीजेपी की है। नाम क्या है? मेरा नाम शेर मोहम्मद। कहाँ रहते? केवल। केवल 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 यहाँ पे क्यों आए गर्मी में? हम काफी देर से गर्मी में आ रहे हैं, हम सियासी लीडर हैं। मैं दो तीन दफ़ा खुद जीता हूँ इलेक्शन, दो दफ़ा, एक दफ़ा चेयरमैन जीता हूँ, दो दफ़ा मेंबर जीता हूँ। तो आज आप मेंबर भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, आपको जलसों में गर्मी में आने की क्या जरूरत? हम चौधरी जुल्फकार साहब के साथ शुरू बचपन से, बचपन 2002 से हम इसके साथ चल रहे हैं। इतना क्यों, इतना लंबा सफ़र चल रहे हो, वजह क्या है? इसके कारोबार अच्छे हैं, इसका काम अच्छा है। क्या काम किए हैं? ये अच्छे अच्छे काम करता है, पब्लिक जो भी मुश्किल पब्लिक को तकलीफ आती है, रात के 12 बजे उसको फोन करें और खड़ा हो जाता है, ये नहीं देखता है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मुझे इस टाइम तकलीफ होगी। इसके पास कोई टाइम टेबल नहीं है, जब भी इसके दरवाजे पर जाओ ये खड़ा होता है कि मेरा आदमी कोई तकलीफ ना आए। हमें इसकी आदत पसंद है, हमें इसका इंसाफ पसंद है, जहाँ ये ज़्यादा हमें पार्टी से कोई तल्लुक, हम सिर्फ इसके साथ हैं, जहाँ भी जाए पार्टी से कोई तल्लुक नहीं है, हम इससे ज़्यादा तल्लुक है, जहाँ ये जाए किससे तल्लुक है? चौधरी जुल्फकार से। चौधरी जुल्फकार जैसा नेता हमें मिलेगा नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे जो है वो मकामी लोग जो है वो बातचीत कर रहे थे, आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय देना जो है वो ना भूलिए।